प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस लाइव क्लास में और आज की लाइव क्लास जैसे मैंने आपको बताया कि कल के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट चैप्टर की जो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी पर्सनली एक दशमलव दो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं टाइप वन एंड टाइप टू तो एक टाइप के क्वेश्चन हमने कल सोल्व कर लिए थे और दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे और दोनों टाइप के कुल मिला के हमारे पास पांच क्वेश्चन है एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस और इन पांच क्वेश्चंस में से आपको लगभग सौ परसेंट श्योर है कि एग्ज़ाम में दो या तीन अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो अब देखिए कि हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं उसको मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ तो जो स्टूडेंट एक बार नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ऐपर संख्याओं से संबंधित जो रूल्स है कल मैंने आपको पढ़ने बताए थे जो बच्चे पढ़ के आए हैं एक बार यस करके कॉमेंट करें और अब देखिए चलो किसी स्टूडेंट के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो भी बिल्कुल सिंपल सी बात है मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है एक क्या है परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है? है और दूसरी अप्रीमियर संख्या है अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी अप्रीमियर संख्या ही मिलेगी ठीक यानी जैसे मान लिया मेरे पास एक प्रीमियर संख्या है दो और एक अप्रीमियर संख्या है तीन वर्गमूल तीन अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दो प्लस वर्गमूल तीन अब देखिए ये प्रीमे है ये ए है रिजल्ट ये निकला और ये संख्या क्या होगी ए संख्या ही होगी याद रखना ठीक अब देखिए इसी तरह से जोड़ के बजाय अगर आप घटा करोगे कि जैसे मैं समय बचाने के लिए इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ अगर आप जोड़ की बजाय अगर आप घटा करोगे मान लीजिए इसकी जगह पर हम माइनस लगा देते हैं तो भी अगर एक परिमेय संख्या और एक एप्रमेय संख्या इनको आपस में घटाओगे बेशक शुरू में ऐप्रमेय बाद में परिमेय ले लें अगर इनको घटाओगे तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा एप्रमेय संख्या ही मिलेगी ठीक तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास यहाँ पर इन दोनों की गुणा करें इन दोनों की क्या करें गुणा करें लेकिन गुणा में हम नियम में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे गुणा में हम नियम में क्या करेंगे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है ना ये ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए अगर ये परिमेय संख्या जीरो के बराबर नहीं है और आप एक नॉन ज़ीरो परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या की जब आप गुणा करोगे तो भी क्या आएगा अप्रमेय संख्या ही आएगा ठीक उसी तरह से अगर आप एक परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या है इन दोनों का आप भाग करते हैं भाग करते हैं तो भी क्या आएगा अप्रिमेय संख्या कंडीशन हुई गुना वाले रखेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए नॉन ज़ीरो का हम हिंदी में शून्यत् बोलते हैं क्लियर क्या बोलते हैं शून्यत् बोलते हैं ठीक तो ये सारी बातें हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है या भूल गए हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है बस सिंपल सी ऐसी बातें हमने सीखनी है कि दो प्लस वर्गमूल तीन ये क्या है एक अप्रमेय संख्या आपको पता होना चाहिए इसी तरह से मान लिया पाँच एक प्रमेय संख्या है और वर्गमूल सात एक अप्रमेय संख्या है इनका माइनस करोगे आप तो भी क्या मिलेगी आपको अप्रमेय संख्या इसी तरह से तीन प्रमेय संख्या है और वर्गमूल पाँच अप्रमेय संख्या इन दोनों के आपने गुणा कर दी तो भी ये क्या है ऐप रिमियसन क्या है ये आपको पता होना चाहिए क्लियर अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जो बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार ज़रूर लाइक कर दें ठीक तो अब देखिए कि यहाँ से हम एक बात सीख चुके हैं कि थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ मैं उसके बाद मेरे पास पेज भी पे क्वेश्चन है यहाँ पर हम एक बात सीख चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई इस टाइप की संख्या है ना कि जैसे तीन प्लस वर्गमूल पाँच ठीक तो एक प्रमेय एक अप्रमेय ये अप्रेमेय संख्या है ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं इसी तरह से पाँच वर्गमूल सात ये भी क्या है एक अमियर संख्या है अब बहुत अच्छी बात है ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर विक्रमानंद यादव सोनी का लेगा चिरंजी और इन्होंने थम्सअप किया है इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे हैं ठीक है तो अब आज के लेक्चर में हमें क्या करना है आज के लेक्चर में हमें ये सिद्ध करना है कि जैसे मान ली हमें एक ऐसी संख्या दे दी ये पता तो है हमें कि एप्रमय है ये हमें अच्छे से पता है लेकिन इसे सिद्ध करना है इसे क्या करना हमें सिद्ध करना है ठीक और सिद्ध करने के लिए हम तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे वही जो कल के लक्सर में किया था विरोधा भास ठीक है विरोधाभास विधि का विरोधाभास विधि में क्या करना होता है हमें कि अगर एप्रमेय सिद्ध करना है तो इसे परमेय मान के चलते हैं और लास्ट में क्या आ जाता है विरोधाभास आ जाता है क्लियर तो अब यहाँ पर देखिए कि एक हमारी एन बुक के अंदर उदाहरण है कि दर्शाइए कि पांच माइनस वर्गमूल तीन एक ऐप्रमेय संख्या है इसी तरह से हमारा पर्सनॉली एक दशमलव दो में सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस दो वर्ग मूल पाँच एक अप्रमेय संख्या है इन दोनों में से मैं सिर्फ एक ही समझाऊंगा दूसरा आपको अपने आप समझ आ जाएगा तो विरोधाभास विधि में हमें क्या करना होता है कि अगर ए सिद्ध करना है तो हम इसे प्रमेय मान के चलेंगे और कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया है उससे काफ़ी आसान ये क्वेश्चन हमारा पड़ेगा देखिए बिल्कुल एक मिनट में मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ कि माना यदि संभव हो तो संभव हो तो पाँच माइनस वर्गमूल तीन एक देखिए एप्रमे सिद्ध करना है तो एप्रमे से उल्टा लेके चलेंगे एक परिमेय संख्या है ठीक प्रमेय संख्या या इसको ऐसे लिख दे प्रमेय संख्या है ठीक अगर इसको प्रमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब पांच माइनस वर्गमूल तीन को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं जहां a और b क्या है सह अभाज्य पूर्णांक है सह अभाज्य पूर्णांक है तथा बी बराबर जीरो नहीं है ठीक है इतनी लाइन सेम टू सेम कल वाले क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिससे हम वर्गमूल दो वर्गमूल पाँच वगैरह को हम करते हैं अब बहुत सारे स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है उत्तम पांडे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी गुड इवनिंग कर रहे हैं सभी को गुड इवनिंग तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं कि इतना स्टेप हमने कर लिया है कि ये हमने इसको परिमेय मान लिया है इस संख्या को परिमेय मान लिया तो हम इसे ए बाई बी के रूप में लिखेंगे ठीक अब ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमें ये तो कल प्रूव कर चुके हैं कि वर्गमूल दो वर्गमूल तीन वर्गमूल पाँच वर्गमूल सात ये जो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल है ये ऐप्रमेय संख्या है इनको हमने कल के लक्चर में सॉल्व प्रूव कर दिया था कि ये सारे क्या हैं ये सारे ऐप्रमेय संख्या हैं ठीक तो अब आपने क्या करना है कि ये जो इस तरह से अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना उसको आपने एक तरफ कर देना बाकी सारा का सारा दूसरी तरफ ले करके जाना है जैसे यहाँ पाँच माइनस वर्गमूल तीन बराबर ए बटे बी है तो मैं वर्गमूल तीन को राइट में ले जाता हूँ और ए वटे बी को लेफ्ट में ले आता हूँ तो पाँच की जगह मैंने पाँच रख दिया ए वटे बी ए वटे बी को लेफ्ट में ले आता हूँ यहाँ ए वटे बी जो है वो प्लस का है लेफ्ट में आते ही माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का वर्गमूल तीन है राइट में जाते ही क्या हो जाएगा प्लस का वर्गमूल तीन हो जाएगा क्लियर या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्गमूल तीन बराबर वर्गमूल तीन बराबर देखो बी क्या आ जाएगा इसका एलसीएम बी की पाँच से गुणा पाँच बी माइनस ए देखिए इस साइड को मैंने एल्शियम ले करके लिख दिया है और राइट साइड लेफ्ट में लिख दिया लेफ्ट साइड राइट में लिख दी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक तो बेटा यहाँ ध्यान से देखिए कि ए और बी क्या है पूर्णांक है देखिए बी पूर्णांक है एक पूर्णांक को पाँच से गुणा करोगे तो भी क्या मिलेगा पूर्णांक और पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस होगा तो भी क्या मिलेगा आपको पूर्णांक ही मिलेगा और नीचे भी पूर्णांक है तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है इसलिए पांच बी माइनस ए बटे बी एक, एक देखिए पूर्णांक बाय पूर्णांक क्या होता परिमेय संख्या होगा परिमेय संख्या होगी इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल तीन बराबर पाँच बी माइनस ए बटे बी ये क्या है एक परिमेय संख्या है ठीक ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वर्गमूल तीन जो है इसको परिमेय संख्या कह दिया लेकिन ये बात तो सत्य नहीं है ये बात तो सत्य नहीं क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल तीन एक परमेय संख्या है लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है विरोधाभास का बिल्कुल उल्ट कहानी है इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल तीन एक अपरिमेय संख्या है ठीक इसलिए पांच माइनस वर्गमूल तीन एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती अब देखिए जब भी विरोधाभास होता है तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है और पांच माइनस वर्गमूल तीन पांच माइनस वर्गमूल तीन परिमेय संख्या नहीं हो सकती परिमेय संख्या नहीं हो सकती अब अगर किसी बच्चे को ये बात समझ ना आई हो ना तो रूट तीन प्रमेय mm. संख्या नहीं हो सकती इसका मतलब ये बात गलत है ये बात गलत है इसका मतलब ऊपर वाली बात भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है इसका मतलब हमारा ये मानना ही गलत है कि ये प्रमेय संख्या नहीं है ठीक ये प्रमेय संख्या मानना ही गलत है प्रमेय संख्या नहीं है तो क्या है ये अप्रमेय संख्या है इसका मतलब पाँच माइनस वर्गमूल तीन एक अप्रमेय संख्या है ठीक अब देखिए कि एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपको और थोड़ा सा इसको छोटा करके समझाता हूँ थोड़ा सा लिखने में आपको हो सकता है कि ये लंबा लगे हम इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए कि हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि माना यदि संभव हो तो पाँच माइनस वर्गमूल तीन को क्या मान लिया हमने परिमेय संख्या मान लिया परिमेय संख्या मान, मान लिया तो इसको ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं ठीक फिर आपने क्या करना है कि जो आपको पता है कि वर्गमूल तीन वर्गमूल पाँच वगैरह ऐसा कुछ दिया होगा इसमें वर्गमूल सात भी दिया हो सकता है उनको आपने एक साइड रखना बाकी दूसरी साइड ले करके आपने एलसीएम ले लेना है ठीक और इसको आपने ये चाहो तो अगर इसको छोटा लिखना चाहो ना तो इसको यही लिख सकते हो कि ये परिमेय संख्या है ठीक तो अब इसका जो रीज़न है इसका आप रीज़न जो है ये इतनी बात इसको कारण में दे सकते क्योंकि क्योंकि क्यों ठीक है ये आप इसके कारण में दे सकते हो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ठीक और इस बात को आप यहाँ से वो कर सकते हैं डिलीट ठीक अब देखो क्लियर है तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं यह पर्सनलिटी एक दशमलव दो का दूसरा क्वेश्चन है यहां पर जो हमें संख्या दे रखी है तीन प्लस दो वर्ग पांच है ठीक तीन प्लस है दो वर्गमूल पाँच है अब सेम टू तो सेम उसी तरह से हम इसमें लिखेंगे कि माना यदि संभव हो तो तीन प्लस दो वर्गमूल पाँच एक परिमेय संख्या है ठीक अगर परिमेय संख्या है तो तीन प्लस दो वर्गमूल पाँच को आप वटे बी के रूप में लिख सकते हैं जहाँ ए और ए और बी दोनों क्या है सह एभाज्यपूर्ण पूर्णांक है सह पूर्णांक है क्लियर अब आपने क्या करना है कि सिर्फ वर्गमूल पांच इस साइड रखना बाकी दूसरी साइड ले जाइए कि एक स्टेप में तो दो वर्गमूल पांच बराबर ए वटे बी तीन राइट में ले जाता हूँ तीन इधर लेफ्ट में है राइट में जा करके के माइनस का हो जाएगा ठीक और अब देखिए कि दो रूट पाँच बराबर ये है तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ दो रूट पाँच इस साइड एलसीम ले लेता हूँ बी एलसीम आ जाएगा ए माइनस तीन बी ए माइनस तीन बी अब इस दो को भी अगले स्टेप में आपने क्या करना है दो को भी राइट में ले जाना यहाँ से दो हट जाएगा ठीक है और ये दो यहाँ चला जाएगा ठीक अब देखिए कि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, और बी पूर्णांक अब बी को तीन से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस होगा पूर्णांक आएगा और वटे में भी क्या है पूर्णांक है तो इसका मतलब ये क्या है एक परिमेय संख्या है ये क्या होगा परिमेय संख्या है ठीक है ये क्या है परिमेय संख्या है कारण दे दो क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है ठीक है बस इतना कारण काफी है अब ले वर्गमूल पाँच आपने क्या बता दिया परिमेय संख्या बता दी लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल पाँच क्या है एक अपरिमेय संख्या है यहाँ पर तो हमारे इस तथ्य का विरोधाभास ही हो गया ठीक तो इसका मतलब क्या है कि यह इस कथन का या इस तथ्य का यह इस तथ्य का विरोधाभास है, है कि वर्गमूल पांच एक एपरमेशन के है। ठीक है जब विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब ये बात गलत होगी ये गलत होगी तो इससे वाला स्टेप गलत है ये भी गलत है और हमारी कल्पना भी गलत है इसका मतलब हमारी कल्पना हमारी कल्पना गलत है और तीन प्लस और तीन प्लस दो वर्गमूल मूल पाँच एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती संख्या नहीं हो सकती ठीक अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि तीन प्लस दो वर्ग मूल पांच एक अपरिमेय संख्या है क्या है एक अपरिमेय संख्या है ठीक तो देखिए कि नाइन्थ क्लास में तो हम ये सीखे थे कि एक प्रेमे और एक एप्रेमे ऐप्रीमे होती है और अब हम ये सीख गए कि क्यों होती है इसको सिद्ध करना भी सीख गए हैं क्लियर तो अब आगे देखिए कि हमारी जो पर्सनॉलिटी एक दशमलव दो है उससे पहले एक उदाहरण भी दिया हुआ है तीन रूट दो अब तीन रूट दो को भी आप क्या मानोगे इसको भी आप परिमेय मानोगे ठीक है इसको सिर्फ रफली समझा रहा हूँ लिखने के तरीक़ा लैंग्वेज सेम टू तो सेम वही रहेगी जो ऊपर मैंने दो क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाई है ठीक है अगर आपको सही से समझ आ रहा हो तो एक बार यस कर दीजिएगा तो इसको हम क्या करेंगे परिमेय मानेंगे परिमेय मानेंगे तो तीन रूट दो को हम ए बटे बी कहेंगे जहाँ ए और बी क्या है पूर्णांक है और बी जीरो नहीं है ठीक अब ये तो बिल्कुल ही आसान है रूट दो को एक तरफ रखेंगे बाकी ए बटे तीन बी ये नीचे ले आएंगे अब ये देखिए ए और बी क्योंकि पूर्णांक है ये परिमेय संख्या हो जाएगी ठीक ये क्या होगी परिमेय संख्या और यहाँ से क्या हो गया विरोधाभास हो गया यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल तो एक अपरमेय संख्या है विरोधाभास है तो इसका मतलब ये कल्पना गलत है ये और ये चीज़ परिमेय हो नहीं सकती परिमेय नहीं है तो क्या है अप्रमेय संख्या बस सिंपल बताना आपने ठीक तो अब आगे देखिएगा कि इसी टाइप से आपने पर्सनवली एक दशमलव दो में ये प्रश्न नंबर तीन दिया हुआ है तीन के तीन पार्ट है सात रूट पाँच को तो इसी तरह से करोगे सात रूट पाँच को आपने ए बटे बी लेना है रूट पाँच को एक तरफ रखना है ए बटे सात बी अब देखिए ये क्या होगी परिमेय होगी फिर विरोधाभास हो गया विरोधाभास हो गया तो ये परिमेय नहीं हो सकती ये अपरिमेय प्रिमे संख्या है क्लियर इसी तरह से ये भी बिल्कुल आसान है छः प्लस रूट दो तो इसको भी आप ए बटे बी मानोगे फिर इधर रूट दो रखोगे ए बटे बी माइनस छः फिर इधर से दो बी को एल्शियम ले लेना है आपने ए माइनस छ बी ठीक है ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ आपको ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए अब ये परिमेय संख्या हो जाएगी ठीक है रूट दो को आपने परिमेय सिद्ध कर दिए यहाँ पर जो कि हमारे तथ्य का विरोधाभास हो गया ठीक है विरोधाभास हो गया तो ये कल्पना गलत है और ये परिमेय नहीं हो सकती परिमेय नहीं हो सकती तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है ठीक देखिए बिल्कुल एक ही लाइन पे सारे सवाल चल रहे हैं अब एक वटे रूट दो को आपने क्या करना है अगर ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो इसमें आपने कल वाला मेथड अप्लाई करना है जो आपने रूट दो रूट दो रूट, दो, रूट तीन रूट पाँच आदि के लिए किया है इसके आर पार गुना कर देना आपने बी बराबर ए रूट दो, दोनों तरफ वर्ग करना है आपने बी स्क्वेयर बराबर दो ए स्क्र ठीक है ए और बी को आपने क्या मानना है सह अभाज्य संख्या मानना है सह अभाज्य का मतलब ये सिर्फ संख्या एक पे ही कटेगी और किसी पे नहीं कटेगी अब आपने बता देना है कि ए स्केयर बीस स्केयर बराबर दो गुना समथिंग है तो दो जो है वो बीस स्केयर को डिवाइड करेगा दो बीस स्केयर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब दो बी को भी डिवाइड करेगा ठीक ये सारे स्टेप हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं जिस बच्चे नहीं देखा है चैनल पर जा करके कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें अब क्योंकि दो बी को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ से एक बात लिखेंगी अब b बराबर दो के कह देंगी ठीक और उसको उठा करके इस समीकरण में रख देंगी तो दो के बी को मैंने क्या रखा दो के दो के का स्केयर बराबर दो गुणा में ए स्केयर अब दो का स्क्र कितना हो जाए चार चार के स्क्यर बराबर दो ए स्केयर अब ये दो इधर चला जाएगा दो के स्क्र बराबर ए स्केयर अब देखिए कि ए स्क्वेयर बराबर दो गुना समथिंग है इसका मतलब दो जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है जब दो ए स्क्यर को डिवाइड कर रहा है तो दो ए को भी डिवाइड करेगा ये दूसरा कथन है यहाँ से ए, एक कथन ये कह रहा है कि दो बी को डिवाइड कर रहा है दूसरा कथन कह रहा है कि दो ए को भी डिवाइड कर रहा है लेकिन आपने यहाँ क्या मानना है इसको सहबाजे मानना है जो कि विरोधाभास हो गया विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कल्पना गलत है और ये प्रमेय नहीं हो सकती प्रमेय नहीं हो सकती तो ये क्या है अ प्रमेय संख्या है ठीक ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसकी ठीक अब लास्ट में जो है मैं हमारे एन सी आर टी एग्जाम्पलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अब यहाँ पर आपको एन सी आर टी एग्जाम्पलर के अंदर एक उदाहरण दिया हुआ है और ये उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल दो प्लस वर्गमूल तीन एक अपर संख्या है ठीक सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि ये एक अप्रमेय संख्या है अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अलग से ट्विस्ट आएगा कि आपने यहाँ पर सबसे पहले तो मानना क्या मानना आपने इसको में है तो इसको परिमेय मानना है ठीक है माना यदि संभव हो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा माना यदि संभव हो तो वर्गमूल दो जमा वर्गमूल तीन एक परिमेय संख्या है ठीक तो अब इसको देखिए कि वर्गमूल दो जमा वर्गमूल तीन बराबर आपने a बाई बी की बजाय सिर्फ a मानना है और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ए एक परिमेय संख्या है ठीक है आपने यहाँ पर ये ट्विस्ट देना है कि बाकियों में ए बाई बी मानना है लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल प्रॉब्लम का ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ए मानना है आपने अब आप किसी भी एक परिमेय संख्या को लेफ्ट में ले लीजिए बाकी दूसरा राइट में ले जाइए वर्गमूल दो बराबर ए माइनस रूट तीन अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा वर्गमूल दो का स्क्वायर तो दो ही हो जाएगा और यहां पर a माइनस रूट तीन का वर्ग हो जाएगा ये साइड क्या होगा वर्गमूल दो का वर्ग देखो इधर भी वर्ग कर दिया मैंने इधर भी वर्ग कर दिया वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है क्यों हो जाता है भाई क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है आदि पावर वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर एक बटे दो जब आप इधर से वर्ग करते हैं इधर से वर्ग करते हैं तो पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई तो ये दो से दो कट जाता है दो की पावर एक आ जाती है यानी दो आ जाता है इसलिए मैं शॉर्टकट कट मरवाता हूँ स्टूडेंट्स को कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल सिर्फ दो आ गया ठीक है आपको पता भी होना चाहिए कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल क्यों होता है ठीक है तो यहाँ पर दो बराबर ए माइनस बी का ऑल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्र प्लस रूट तीन का स्क्वायर तीन ए स्क्यर प्लस बी स्क्र माइनस दो ए बी दो ए इंटू रूट तीन ठीक अब यहाँ पर देखिए आपकी दो ए रूट तीन इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ ए साइड माइनस का लेफ्ट में आते प्लस का हो जाएगा टू ए इंटू रूट थ्री और इस टू को मैं इधर ले आता हूँ ए स्क्वेयर ये दो इधर प्लस का इधर आके माइनस का तीन में से दो माइनस होंगे एक बचेगा प्लस का ठीक अब यहां से रूट तीन को अकेला रखना पाने पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ए स्क्वेयर प्लस एक वटे में दो ए अब देखो कि एक प्रमेय संख्या है प्रमेय संख्या का वर्ग भी क्या होगा प्रमेय संख्या होगा प्रिमेय के अंदर एक जुड़ेगा तो भी प्रमेय संख्या है और निशय भी, भी क्या है परिमेय संख्या है तो ये सारा कुछ क्या है परिमेय संख्या है ठीक यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है कंट्राडिक्शन प्राप्त हो गया ना विरोधाभास प्राप्त हो गया ठीक है यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया लेकिन यहाँ पर हम लेकिन लेकिन यह है इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल तीन एक अपरिमेय संख्या है ठीक इसलिए इसलिए वर्गमूल दो वर्गमूल तीन एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती इसलिए हमारी कल्पना गलत है और वर्गमूल दो वर्गमूल तीन एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती अगर यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल दो वर्गमूल तीन एक अप्रिमेय संख्या है ठीक है अब देखिए आप यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो समझ गए हैं कि इसको ए बाई बी नहीं लेना है अगर दोनों ही वर्ग वाल वर्गमूल वाली संख्या है तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल तीन जमा वर्गमूल पाँच एक ऐपर में संख्या सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे आप जो जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो जरूर सॉल्व करें अजय चोटा ला प्लीज सर तो अब देखिए कि आप स्टूडेंट्स की ये जो भावना है कि मैं आपके सामने आऊँ एक दिन ज़रूर आएंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से आप स्क्रीन पर भी काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं ठीक है जो जो स्टूडेंट्स वर्गमूल तीन जमा वर्गमूल पाँच को सॉल्व कर सकते हैं एक बार हाथ रेज हैंड करें या यस करके कमेंट करें एक बार और जो जो स्टूडेंट अभी यस करके कमेंट करेंगे मेरी नज़र आपके कमेंट स्क्रीन पे ही है देखता हूँ कि किस किस बच्चे को समझ आ गया है और आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल p प्लस वर्गमूल q सो का ने यस किया है बहुत अच्छी बात है कि आप सॉल्व कर सकते हो और अजय चौटाला मेरे ओल्ड स्टूडेंट है बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट मेरे साथ आज तक जुड़े हुए हैं नितेश और प्रीति आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है और सुमित सैनी सोलह जीरो आठ बिल्कुल बड़ी खुशी हुई कि आप सोल्व कर सकते हैं तो अब आप देखिए कि इसी तरह से आपने वर्गमूल पी प्लस वर्गमूल क्यू को आपने सोल्व करना है ठीक है बस ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है दो की जगह पी और तीन की जगह क्यू करना आपने बाकी सारा का सारा ऐसे ऐसे चेप देना वैसे किसको? तो अब देखिए कि कल यानी संडे है संडे को कल संडे है और संडे को हमारा ऑफ रहेगा छुट्टी रहेगी और मंडे को ठीक उसी समय आठ बजे मैं आपको फिर से मिलूँगा और मंडे तक यानी कल आपकी छुट्टी है इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है ठीक है और मंडे वाली क्लास जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी आप लोगों की और मैं आपके लिए ढेर सारे एम सी क्यूज़ और केस स्टडी क्वेश्चन है ये हमारे सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में जो है केस स्टडी क्वेश्चन बहुत आते हैं ठीक है और जिन बोर्ड एग्ज़ाम में केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आते उन स्टूडेंट्स को भी ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की वो बहुत मजबूत हो जाती है तो मंडे की जो क्लास है उसमें हम केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पिछले वर्षों में पिछले वर्षों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो चाहे सी बी एस सी में हो यूपी बोर्ड में हो बिहार में हो मध्य प्रदेश में हो जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में एम सी क्यूज पूछे गए हैं उन्हें मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्कस करवाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास जो है पसंद आई होगी और एक बार लाइक ज़रूर कर दें कि जैसे 109 सौ नौ व्यूवर्स हैं लेकिन लाइक like बहुत कम है एक बार लाइक like ज़रूर कर दें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें और मेरी एक ऐप है सुरेश लेक्चरर के नाम से मैंने पहले भी आपको किसी इन लक्चर में बताया था सुरेश लेक्चरर प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी लोगो आप देखते ही पहचान लोगे ठीक है यहाँ पर ये यह जो लोग आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर ये यह वाला इस टाइप का आपका लोगो मिलेगा ठीक है तो वहाँ पर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया समय निकाला लाइक किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमवार को आठ बजे शाम को फिर मिलते हैं गुड नाइट